हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम और क्या केम छो मजा मा राधे राधे आदा प्रणाम। देखो आज की वीडियो ना तो फॉल गाइस पे है ना तो माइनक्राफ्ट पे होने वाली है, बेसिकली ये गेमिंग से रिलेटेड ही नहीं है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिडल्स। अब ये मत पूछना कि रिडल्स क्या होते हैं, तुमने कभी ना कभी तो रिडल्स सॉल्व किए ही होंगे। और देखो हम लोग कोई ऐसे वैसे रिडल्स नहीं सॉल्व करने वाले, हम लोग करने वाले हैं एकदम हार्डेस्ट इम्पॉसिबल बिग ब्रेन वाले रिडल्स। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यूट्यूब में मेरे 7000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और इंस्टाग्राम पे देखो भाई ढंग से 250 भी नहीं हुए हैं। कम ऑन यार, कम से कम 500 तो कराओ यार। देखो 1000 भी नहीं बोल रहा हूँ, 500 बोल रहा हूँ। हलवा है तुम लोग के लिए ये। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अभी फॉलो करो एंड थैंक यू फॉर 7K इन एडवांस। ओके फर्स्ट रिडल। ये क्या, रोहन 200 मीटर की बिल्डिंग के टेरेस पे फंस गया है। ओके रोहन के पास एक रस्सी है लेकिन वो बस 150 मीटर की है। ओके अरे ये मैथ्स वाले रिडल्स मत पूछे करो यार मेरे से। अब बस 150 मीटर की रस्सी से रोहन 200 मीटर की बिल्डिंग से नीचे कैसे आएगा? 100 मीटर पे एक पॉइंट है जहाँ रोहन पहुँच सकता है, लेकिन अगर रस्सी ऊपर बांध के रोहन नीचे आ गया तो यहाँ से नीचे कैसे उतरेगा? और रोहन रस्सी को इससे पतला भी नहीं कर सकता, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। क्या लगता है आपको अब क्या करेगा रोहन? देखो बिल्डिंग से ग्राउंड का डिस्टेंस है 200 मीटर और इसके पास रस्सी है वो है 150 मीटर की और ये दो पॉइंट है 100 मीटर के। अगर ये फर्स्ट से सेकंड पॉइंट में गया तो ये वहीं अटक जाएगा। तुमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट देखा था राइट साइड में, ये वाला। मेरे को लग रहा है इसका कुछ ना कुछ रोल तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ से नीचे कैसे जाएगा? अगर ये पार्ट समझो 100 मीटर का है तो ये पार्ट हम 500 मीटर तो मान ही सकते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट पे तो आ जाएंगे। बट अब यहाँ से क्या लटक के जाना है क्या? अरे हाँ ये देखो, इस पॉइंट में इस हुक के कारण लटक नहीं सकते हैं, बट इधर तो लटक सकते हैं और नीचे कूद सकते हैं। पर 100 मीटर की ऊंचाई से अगर ये कूदेगा तो हड्डी नहीं टूट जाएगी? अब देखो यही एक आंसर लग रहा है मुझे, तो देखते हैं। अब रोहन ने रस्सी के दो टुकड़े कर दिए, 100 मीटर का एक और एक 50 मीटर का। 100 मीटर वाली रस्सी को घुमा के बांध लिया तो वो 50 मीटर की हो गई और 50 मीटर वाली रस्सी से इसको जोड़ दिया तो टोटल रोहन के पास अब एक 100 मीटर की रस्सी हो गई। रोहन ये 100 मीटर की रस्सी से बीच वाली जगह पे आ गया। फिर रोहन ने जो 100 मीटर वाली रस्सी घुमाई थी उसको बीच में से काट दिया और पूरी अपने तरफ खींच लिया तो रोहन के पास अब 100 मीटर की रस्सी वापस आ गई। इस रस्सी को रोहन ने यहाँ पे बांधा और इसकी मदद से नीचे उतर गया। पहले रिडल से ही पता चल गया मैं कितना बिग ब्रेन हूँ। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे से मैथ्स वैथ्स वाले रिडल्स मत पूछो प्लीज। ओके नेक्स्ट रिडल। अब एक आसान लेकिन एक मस्त पहेली पूछता हूँ मैं आपको। अगर 5 अंडों को बॉईल होने के लिए 5 मिनट फिर मैथ्स तो मुझे बताओ 3 अंडों को बॉईल होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? सिंपल, 5 अंडे को अगर 5 मिनट लगते हैं तो 3 अंडे को 3 मिनट, 1 अंडे को लगेंगे 1 मिनट, 2 अंडे को लगेंगे 2। अरे नहीं, 5 अंडे को अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो 1 अंडे को भी 5 मिनट ही लगेगा ना, तो 3 अंडे को भी तो 5 मिनट लगेगा ना। अगर 5 एग को 5 मिनट लगते हैं मतलब 1 एग को भी 5 मिनट लगेगा तो 3 एग को भी 5 मिनट लगेंगे। हाँ बिग ब्रेन। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दिखाइए। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इन पिक्चर में कितने डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस क्या क्या है। ऐसे रिडल्स मस्त लगते हैं। ये देखो पहले तो ये पत्ती हो गई, फिर ये शेल और ये इसके मुंह में जो फ्लावर है और फिर हाँ ये मेंढक की आईज और ये पिंक फ्लावर। अब और क्या है? इतना ही तो है। अरे ये मशरूम जैसा कुछ है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंस है क्योंकि और तो कुछ नहीं दिख रहा है। इन दोनों पिक्चर में टोटल 5 डिफरेंसेस है। हैं? कैसे? एक बार फिर से गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो है। पहला डिफरेंस है ये पत्ती का कलर देखिए, दूसरा डिफरेंस है ये फ्लावर मिसिंग है, तीसरा डिफरेंस शेल का कलर देखिए, चौथा डिफरेंस ये मशरूम मिसिंग है और पांचवा डिफरेंस ये वाला फ्लावर मिसिंग है। और ये मेंढक का कौन गिनेगा? तेरा चाचा। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था, तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है, किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है,
मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है, कैसे। एक मिनट, तीन चुड़ैल का साया एक महल पे था, फिर एक दिन अचानक से महल पे आग लग गई, फिर राजा उन चुड़ैल से पूछते है कि आग किसने लगाई, फिर क्या। पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, ओके, आज ही आई हूँ। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, ठीक है, मैं भी घूमने गई थी। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये तो हवा की चुड़ैल है, ये हिमालय गई थी, ये पानी की चुड़ैल है, ये भी घूमने गई थी, और ये बस घूमने गई थी। कहीं ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि आग पानी और हवा दोनों से रिएक्ट करता है, बट आग लगाने के लिए इनके पास कुछ होना भी तो चाहिए, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। ए, इसका झाड़ू किधर है? अरे हाँ, देखो पहले यहाँ पे आग जल रही है, इसने पहले अपने झाड़ू पे आग लगाया, फिर उड़ते टाइम इस महल पे जलते हुए झाड़ू को फेंक दिया, ये हो सकता है ना। पर इसे झाड़ू की क्या जरूरत है, ये तो हवा की चुड़ैल है। पर वैसे तो ये भी पानी की चुड़ैल है, इसे भी फिर बहते रहना चाहिए, इसको भी झाड़ू की क्या जरूरत है। तो मतलब आग इसी ने ही लगाई है, hence proved। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी, मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। ओ, टीचर सही बोलते हैं यार, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर ही आंसर देना चाहिए। I am noob। नेक्स्ट रिडल पेश किया जाए। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास ये जादुई लकड़ी है, ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं, जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई, क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? देखो एक राजा के गांव में चोरी हो जाती है, उसमें से 5 सस्पेक्ट्स पकड़े जाते हैं और उन 5 में से कोई एक ही चोर है, लेकिन अभी सब बोल रहे कि किसी ने चोरी नहीं की है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। अब एंट्री होती है राजा के बेटे की, उसके पास एक जादुई लकड़ी है जो कि चोर के घर ले जाने से 2 इंच बड़ी हो जाती है। फिर उसने उन 5 को लकड़ी दे दी और अगले दिन इस आदमी की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई। कैसे और चोर कौन है? देखो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, एक तो ये कि इसको छोड़ के ये सभी चोर है, लेकिन प्रीवियस रिडल्स को देख के इतना पता चल गया है कि सस्पेक्ट कोई एक ही रहता है, तो ये आंसर शायद गलत भी हो सकता है। एक आंसर ये हो सकता है कि ये जो बंदा है ये ही चोर है, ये जब घर जाने वाला होगा तब इसने लकड़ी को 2 इंच काट दी होगी, ताकि अगर ये घर जाए तो लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो लकड़ी अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी, फिर कोई शक ही नहीं करेगा। बट ये लकड़ी शायद जादू ही नहीं होगी और इस बंदे का लोल हो गया है, शायद ये एक आंसर हो सकता है। लेट्स सी, इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी, ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ओ भाई, हाँ कौन था रे मेरे को नूब बोलने वाला? दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहार जेल में पुलिस वाला था, कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की, इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? हैं? इसमें गलत क्या है? दादा गणपत एक जेल के ऑफिसर थे, कोई चोर उनसे बच के भाग नहीं सकता था। एक दिन 3 चोर 12-12 घंटे के अंतराल में भागने का प्लान बनाते हैं। एक चोर सुबह के 11 बजे भागता है, लेकिन उसे कुत्ते पकड़ लेते हैं। फिर 12 घंटे बाद एक और चोर भागता है नदी के थ्रू, लेकिन दादाजी की तेज नजर से बच जाता है।
अबे एक मिनट, अगर एक चोर सुबह के 11 बजे भागेगा तो 12 घंटे बाद तो रात के 1-2 बज रहे होंगे, और इसमें शायद बोला भी कि दिन में मेरी तेज नजर से वो चोर पकड़ा गया। लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। हाँ भाई, रात के 1-2 बजे कौन सा दिन होता है? पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद, मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था, ऐसा कैसे पॉसिबल है? थैंक यू माय फैंस, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा बिग ब्रेन हूँ। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतने रिडल्स काफी हैं। तुम लोग को अगर और ऐसे रिडल्स देखने हैं तो वीडियो को लाइक ठोको और कमेंट में बताना तुमने कितने रिडल्स के आंसर सही दिए। मेरा स्कोर था 4 out of 6। तुम भी अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हो, और आज जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। 500 का एम है, करा दो यार।